नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। सीएम केसीआर के आदेश अनुसार एक दिवसीय पौधारोपण कार्यक्रम के तहत बेला मंडल के छपरौला गांव में 1000 झाड़ लगाए गए। ये कार्यक्रम हरित हरम यानी हरा और साफ सुथरा कार्यक्रम हर गांव में किया जा रहा है। सीएम का कहना है कि 1 करोड़ झाड़ पूरे राज्य में लगना है। छपरौला में जिला पुस्तकालय चेयरमैन मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि प्रजा प्रतिनिधि और संबंधित सरकार के ऑफिसर मिलकर छपरौला गांव में पौधारोपण कार्यक्रम लिया है और कहा है कि झाड़ से अनगिनत फायदे हैं। झाड़ के जरिए से साफ हवा मिलती है, बारिश टाइम पर होती है। झाड़ नहीं है तो सब बेकार है। सीएम केसीआर का हर योजना और हर प्रोग्राम लाभदायक है। हरा भरा तेलंगाना और साफ सुथरा तेलंगाना भारत देश में अव्वल नंबर पर है, ऐसा राउत मनोहर ने कहा। इस कार्यक्रम में सरपंच दौलतराव, एमपीडीओ महेंद्र, स्कूल प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर, एमपीओ समीर अहमद, बीआरएस नेता गंभीर ठाकरे, यासम सतीश, पोचट्टी परवीन और अन्य ने भाग लिया। आदेश अनुसार आज बेला मंडल मंदिर हर ग्राम पंचायत मंदिर जो झाड़ लावा कार्यक्रम घेता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत हजार झाड़ लावाचा जो प्रोग्राम आहे त्यात भागात आज प्रजाप्रतिनिधी ऑफिशियल सगळे मिळून आज छपरौला गावात मोठ्या प्रमाणात जे झाड लावाचा कार्यक्रम जो घेण्यात येत आहे। मी एकच सांगू इच्छितो, ह्या झाडामुळे हे झाड लावण्यामुळे आज जे आपल्याला शुद्ध ऑक्सिजन भेटते, कार्बन डायऑक्साइड ऑक्सिजन झाड घेऊन आपल्याला शुद्ध जे ऑक्सिजन आपल्याला झाड देते। तेवढंच नाही, झाडामुळे आपल्याला का फायदा आहे म्हटलं तर आपल्याला पाणी बी जे टाईमवर पडते आणि झाडं नसल्याशिवाय हे सगळं व्यर्थ आहे। म्हणून केसीआर साहेब आज हर क्षेत्रामध्ये जे प्रायोरिटी देत आहे त्याचप्रकारे नंबर वन हर जे भारत देशात हर क्षेत्रामध्ये नंबर वन कार्यक्रम जो केसीआर साहेब करत आहे त्यातल्या भागातच आज जे त्या भागातच आज जे झाडाचा कार्यक्रम भी आज 1 करोड़ झाड लावत आहे म्हणत आज क्लीन ग्रीन मध्ये क्लीन अँड ग्रीन मध्ये भी नंबर वन स्टेट तेलंगणा स्टेट केसीआर साहेबच्या सदारे खाली रामाना साहेबच्या लीडरशिप खाली हे पुरे कार्यक्रम घेण्यात येत आहे। म्हणून या संदर्भात सांगत माझ्या 200